औस बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं ज़ैन अब्बास नकवी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ यहां पे बीएससी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 के और चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज आपके सामने इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स आ रहे हैं, तो इनकी आप यहाँ से तैयारी बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इंग्लिश के बीएससी इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो इंग्लिश की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो हर वीडियो में दो दो चैप्टर के एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहे हैं और एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, तो कुछ एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के भी कुछ इस टाइप के होंगे। और बीएससी इंग्लिश और बीए इंग्लिश का सिलेबस भी आप लोगों को पता होगा और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें जो आपके पास बीए का हमारे पास सिलेबस है उसमें 60 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और आपके पास 20 नंबर की हमारे पास लेटर और एप्लीकेशन आएगी और उसके बाद 20 नंबर का आपके पास ऐसे आएगा। और जो बीएससी की इंग्लिश है उसमें आपके पास 50 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और उसके बाद 10 मार्क्स के मज़ीद एमसीक्यूज आएंगे जो कि ग्रामर के एमसीक्यूज होंगे, वो आपके आपके पास सेक्शन नंबर 2 में शामिल होंगे। और जो आपके सेक्शन नंबर 3 है उसमें आपके पास उर्दू टू इंग्लिश राइटिंग होगी, वो आप लोगों ने लिखनी है। और जो सेक्शन 4 है, पार्ट 4 है आपका बीएससी में, उसमें आप लोगों ने एक ऐसे हमारे पास लिखना है जिस ऐसे में आपके 100 वर्ड्स या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो वैसे में आपके पास चॉइस होगी कि आपको 3 ऐसे हमारे पास दिए जाएंगे और उस और उन हमारे पास तीनों ऐसों में से कोई एक ऐसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं बीए और बीएससी के। और उसके बाद एक कॉमन ऐसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो जो ऐसे आप जो जो उसके टॉपिक होंगे उसके साथ आप लोग